5 मिनी बसों को बनाया एम्बुलेंस। बस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन समेत सभी जरूरी उपकरण होंगे मौजूद। इमरजेंसी में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के उपचार में होगी सहयोगी। रोडवेज कर्मचारी ही देंगे इन बस एम्बुलेंसों में अपनी सेवा। कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा रोडवेज करनाल डिपो की 5 बसों को एम्बुलेंस बनाया गया है। ये सारी बसें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित सभी जरूरी उपकरणों से लैस होंगी। यह बसें किसी भी आपातकालीन स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते कोरोना के उपचार में बेहतरीन सहयोगी देख करेगी और रोडवेज कर्मचारी ही इन बसों में सेवा देंगे। बता दें कि इस समय कोविड-19 महामारी का प्रसार गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस प्रसार को रोकने तथा किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए सरकार हर तरीके से तैयारियां कर रही है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य परिवहन करनाल डिपो की 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया जा रहा है। इन एम्बुलेंसों में ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा उपकरणों के अलावा PPE किट भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश के सभी जिलों के रोडवेज डिपो में इस तरह की एम्बुलेंस तैयार करने की योजना है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी में जरूरत पड़ने पर इन एम्बुलेंस बसों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा करनाल जिले में 5 बसें दी गई हैं, जिनको एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। इन्हें किसी भी आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जाएगा और इन एम्बुलेंसों को रोडवेज के चालक ही चलाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए लिया गया है, ताकि किसी भी मरीज को परेशानी ना हो और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस सुविधा तुरंत मिल सके। उधर हरियाणा रोडवेज करनाल की GM कुलदीप सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए हरियाणा रोडवेज ने भी अपना हाथ बढ़ाया है। जिले में 5 मिनी बसों को एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। जी सर, क्या कहेंगे, रोडवेज ने अच्छी पहल की है, 5 एम्बुलेंस को तैयार करने का जिम्मा लिया है। कितनी बसें तैयार हो गई हैं और कब तक बाकी और तैयार हो जाएंगी? हमने 2 बसें बिल्कुल तैयार कर दी हैं, जो हमने आपको दिखा दी हैं, जिनको सारी फैसिलिटी हमने प्रोवाइड कर दी है और दिन रात 79 लोग दिन रात इस काम को कार्य कर रहे हैं। बाकी सभी काम को हमने बंद कर दिया है, जो विभाग का जो नॉर्मल रूटीन का काम है। और थोड़ी हमें दिक्कत ये पड़ रही थी पहले कि हमें सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोरोना महामारी के चक्कर में लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से बाहर मार्केट बंद है। मगर हमारे जो महाप्रबंधक महोदय हैं श्री कुलदीप सिंह जी, उनके अथक प्रयासों से उन्होंने हमें अपनी जीप दे करके, जो कि यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की जीप दे करके हमें ऑथराइज किया है कि आप बाहर से जाइए, दुकानदार के पास जाके हम उनसे रिक्वेस्ट की दिए कि जनता की सेवा के लिए हमें एम्बुलेंस को तैयार करें, कृपया करके हमें सामान दीजिए। तो हमें सामान अभी मिल गया है, हम सारी गाड़ियों को शाम तक तैयार कर देंगे। बस में क्या क्या फैसिलिटी हैं? बस में 4 बेड लगाए गए हैं, 4 ही सिलेंडर लगाए गए हैं, जिनको 4 पैसेंजर्स को, 4 उसके मरीजों को बस ले जा सकती है। PPE किट का बॉक्स हमने उसके अंदर लगा दिया है, सैनिटाइजर भी उसके अंदर हमने फिट कर दिए हैं। और ये गाड़ी के अंदर हमने जैसे गाड़ी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, उसके कोरोना संक्रमण के मरीज से उसका प्रभाव ना पड़े, उसकी केबिन को ही हमने ट्रांसपेरेंट सीट लगा के हमने इसको सेपरेट कर दिया, ताकि दिक्कत ना हो। कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, क्योंकि संसाधनों की कमी ना हो। हाँ देखिए, अच्छी पहल है, प्रशासन ने जो हमें आदेश दिया, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, बहादुर कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। उसके अलावा भी अगर हमें बड़ी बसों को भी कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑर्डर मिलेगा, अगर हम ऐसी कोई एक्सट्रीम कंडीशन में जाते उसके लिए भी हम तैयार हैं। का देखा जाए बसों को कब सौंपने, बसों को जहाँ तक प्रशासन की बात है, हरी झंडी कब दिखाएंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं, जब कहेंगे तभी हम उनको दे देंगे। आज भी हम तैयार हैं, शाम को 4 बजे के बाद हम 500 गाड़ी दे देंगे, 2 गाड़ी हमारी एकदम बिल्कुल तैयार करनी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।